नमस्कार दोस्तों, आपके मनपसंद YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज दोस्तों हम बनाने जा रहे हैं बूंदी के जो लड्डू आते हैं उनका हलवा। बूंदी के जो लड्डू हैं उनका हलवा बनाने के लिए जो जरूरी इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे, वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए जो आवश्यक इंग्रेडिएंट्स हैं वो है 3 से 4 लड्डू बूंदी के, जिन्हें मैंने क्रश कर लिया है पहले से। उसके अलावा थोड़ा दूध, लगभग आधा कप दूध, इलायची पिसी हुई थोड़ी बहुत, 1 या 2 इलायची, और देसी घी। मैंने एक फ्राइंग पैन जो है वो पहले से गर्म होने के लिए रख दिया है। इसमें थोड़ा बहुत जो है, वैसे ऑलरेडी इसमें घी होता है, फिर भी मैं थोड़ा बहुत घी जो है वो इसमें ऐड कर देता हूँ। लगभग आधा चम्मच घी जो है वो हमने ऐड कर दिया इसमें। घी दोस्तों हमने इसमें डाल दिया है। अब इसमें जो मैंने लड्डू क्रश किए हुए हैं वो मैं इसमें डाल देता हूँ। आप चाहें तो इसके साथ आप बहुत ही लो फ्लेम पे इसे सिकने देंगे हम। आप चाहें तो इसके साथ ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं क्रश किए हुए वो भी आप डाल सकते हैं। बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे क्रश करेंगे, सिकने देंगे हम बिल्कुल लाइट पे, बिल्कुल धीरे धीरे 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसे सेकूंगा आराम से। ये देखिए दोस्तों, ये काफ़ी हद तक सिक गया अपना बूंदी। अब हम इसमें थोड़ा सा इलायची ऐड करेंगे, लगभग 1 से 2 इलायची जो है क्रश किया हुआ वो मैं इसमें डाल दूँगा उसका पाउडर। इसे वापस लाएंगे हम थोड़ा सा। बिल्कुल अच्छी तरह पकाया हमने इसे, बिल्कुल धीमी आंच में। ये देखिए सिक चुका है काफी हद तक ये हमारा। मैं इसमें थोड़ा दूध डालूंगा, दूध डालेंगे हम इसमें, आधा कप दूध जो हमारा मैंने डाला इसमें, और वही धीमी आंच में धीरे धीरे हम इसे पकाते रहेंगे। लगभग 2 से 3 मिनट तक हम इसे पकाएंगे। ये देखिए दोस्तों, आपका टेस्टी हलवा जो है वो तैयार हो गया है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। अगर आपको दोस्तों हमारी डिश पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।